वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके साथ लास्ट वीडियो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का डिस्कशन हुआ था और वो मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट आपसे डिस्कस किया था डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट करना क्या है, मैं आपके साथ आज जितनी भी चीजें डिस्कस करूंगा वो थ्रू पीपीटीज डिस्कस करूंगा, तो उसके अंदर हम फटाफट उस चीज को समझेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे उसमें। आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और लास्ट लिखा हुआ बैड डेट्स। तो पहले तो बेसिक चीज सर, डेटर्स हमारी होती है असेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी होती है लायबिलिटी, प्रोविजन लायबिलिटी है, और बैड डेब्ट्स हमारे होते हैं एक्सपेंस। तीन बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, असेट्स, लायबिलिटी और फाइनली बैड डेब्ट्स क्या हो गए हमारे एक्सपेंस। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ पीपीटीज में, मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम करता जाऊंगा और उसका फटाफट हमने सॉल्यूशन करना है। पहली चीज में जब फर्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे और फिर आगे फटाफट मूव ऑन करेंगे। दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं और अब जो मैं एक दो स्टेप्स में और डालूंगा वीडियोस, 8 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का और उसमें नियर अबाउट 6 एडजस्टमेंट होती है। बेटे प्लानिंग से चल रहे हैं, इधर उधर भटकेंगे तो सब खराब हो जाएगा, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, 8 मार्क का क्वेश्चन, उसके अंदर नियर अबाउट बोर्ड में 6 एडजस्टमेंट्स आती हैं, उन 6 एडजस्टमेंट्स को समझना मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। एक एडजस्टमेंट आएगी कैपिटल, मुझे आपके साथ वो वीडियोस के थ्रू डिस्कस करना है कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। एक आएगी गुडविल के ऊपर, अब 2 एडजस्टमेंट ये खत्म हो गई, एक न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है, 3 एडजस्टमेंट्स खत्म, 3 एडजस्टमेंट बची हैं, उसमें से या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया, वो बच्चों को टेक्निकल लगता है, सेकेंड या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, या लास्ट आएगा ये वाला जो बच्चों को दिक्कत करता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये है टेक्निकल टॉपिक्स, उसके बाद एक तो छोटी मोटी चीजें आती है वो बच्चा कर लेता है कि सर असेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ जाता है रिवैल्यूएशन के अंदर। आपका मेजर फोकस होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप मेरी वीडियोज में अगर आपको समझ आती है, अच्छे लग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अगर मुझे कोई भी स्टूडेंट्स ये एडवाइस करेगा या मेरे से ये रिक्वेस्ट करेगा कि सर रिवैल्यूएशन की भी एडजस्टमेंट्स करा दो, देन ओनली आई विल टेक रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स, अदरवाइज मैं अज्यूम करके चलूंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट्स आती हैं। मैं सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो रिवैल्यूएशन अगर गलत पेपर में तो पार्टनर्स कैपिटल गलत हो जाएगा, और अगर पार्टनर्स कैपिटल गलत है तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली गलत, और सर अगर कैपिटल एडजस्टमेंट्स गलत तो फाइनली आपकी बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो बेटा प्लानिंग के साथ मेजर फोकस होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, इट मींस हर ट्रांजैक्शन का रिवैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट हुआ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब इससे रिलेटेड जरा स्टार्ट करते हैं प्रोविजन, मैं अभी आपके साथ जरा डिस्कशन करते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं। बेटा याद रखना बैड डेट्स हमारे एक्सपेंस होते हैं, डेटर्स असेट्स हैं, और प्रोविजन क्या है हमारी लायबिलिटी। अब पहले इजी इजी क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, बड़ी क्वेश्चन आ गया एक बैलेंस शीट का, आसान है, पहला क्वेश्चन आसान है, सर हमारे पास डेटर्स हैं 4 लाख रुपीस के, डेटर्स आर अनट्रेसेबल, ये क्वेश्चन शायद 2018 के अंदर आया था, डेटर्स आर अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल का मतलब होता है बैड डेब्ट्स हो गए, 50,000 के डेटर्स क्या हो चुके हैं बैड डेट्स, तो 4 लाख में से 50,000 तो बैड डेट्स हो गए, तो बचे कितने 3,50,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कितना नुकसान हो गया 50,000 का नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर फाइनली डेटर कितने आएंगे 3,50,000। दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दी, जितने के बैड डेट्स हुए हैं वो आएंगे रिवैल्यूएशन में, बाकी कितने आ जाएंगे आसान एड्रेस, धीरे धीरे करके मुश्किल पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, डेटर्स हैं 3 लाख के, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेक अ प्रोविजन
2% ऑन डेटर्स, कह रहे हैं प्रोविजन आपको बनाना है 2%, 3 लाख का 2% हो गया 6000। अब क्वेश्चन ये आता है, सर प्रोविजन असेट है लायबिलिटी है? मैंने आपको बताया था प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। इट मींस इस लायबिलिटी साइड में कहीं आ नहीं रहा, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये कहां चला जाएगा आपके रिवैल्यूएशन में, 6000 का आपको प्रोविजन बनाना है। आंसर जरा चेक करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 6000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर आएगा 3 लाख में से 6000। बेटे दोनों ट्रांजैक्शन आसान आसान थी, अब आते हैं टेक्निकल ट्रांजैक्शंस पे धीरे धीरे। थर्ड क्वेश्चन, 1 लाख पॉज कर बेटे, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन है 8000 का। यहां से दोस्तों अब आपको बात समझ आनी चाहिए, अब कॉन्सेप्चुअल ध्यान देंगे बेटे। 1 लाख के डेटर है और प्रोविजन आपने बना रखा है 8000 का, प्रोविजन होती है हमारी कुल, हमने 8000 का प्रोविजन बनाया है। अब दो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, दोनों क्वेश्चंस के अगर आंसर दे दिए तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप मुझे बताओगे मेरे डेटर कितने के हैं, बाहर कितने के डेटर्स खड़े हुए हैं? सर 1 लाख रुपीज के डेटर हैं और मुझे प्रोविजन फॉर बेट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मुझे डर लग रहा है कि उसमें से 8000 डूब जाएंगे, तो मैंने 8000 का क्या बना लिया है प्रोविजन। अब देखते हैं फाइनली रिजल्ट आया बेटे, बेट डेब्ट्स कितने के पैसे डूब गए, 6000 के डूब गए। अब आपने दो बातें सुनी है ध्यान से, फाइनली मेरे कितने बेटर डूबे हैं 6000, बाहर डेटर थे 1 लाख के, 6000 तो डूब ही गए। सर बाहर कितने बचे बेटे, बाहर बचे 94000, पहला क्वेश्चन का आंसर, डेटर बचे 94000। अब दूसरा क्वेश्चन, सर ये जो पैसे डूबे हैं बैड डेट्स हुए हैं, उससे मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा, क्या मेरी पॉकेट से कुछ नुकसान हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन बेटे, 6000 के लिए पहले ही आपने प्रोविजन बना रखा था, कितने का प्रोविजन था 8000 का। बेटे इस गुल्लक को तोड़ोगे, 6000 के नुकसान अलग करोगे और अभी भी गुल्लक में कितने बचेंगे 2000। इट मींस आपकी पॉकेट से कुछ नहीं गया, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो दो बातें आपने सोचनी है जब भी बैड डेब्ट्स होंगे, पहले आप ये बोलोगे सर बाहर कितने के डेटर बचे, बेटे बाहर बचे 1 लाख में से 6000 94000। दूसरा क्वेश्चन, इसकी डूबने की वजह से बैड डेट्स की वजह से क्या आपकी पॉकेट से कुछ नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि आपने क्या बना रखा था प्रोविजन, 8000 में से 6000 निकाल दोगे बचे कितने 2000 का प्रोविजन बैलेंस शीट में। तो ये था एक कॉन्सेप्चुअल चीज, जरा आंसर देखते हैं सर क्या रिवैल्यूएशन में आएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी बताओगे, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ब्लाइंड है रिवैल्यूएशन बिकॉज आपकी पॉकेट से कुछ नहीं गया। अब आप मुझे बताओगे बैलेंस शीट, ध्यान से देखना बैलेंस शीट, 1 लाख में से 6000 पहले बैड डेट्स माइनस कर दिए बाहर वाले, और अब प्रोविजन कितना बचा, प्रोविजन सिर्फ बचा है 2000, तो नेट आंसर कितना आ गया 92000। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आपसे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये आ गए बैड डेट्स 8000। फिर आपसे जल्दी जल्दी बात करेंगे दोस्तों, बाहर डेटर कितने के खड़े हैं 1 लाख, 8000 के बैड डेब्ट्स हो गए, इट मींस बाहर कितने बचे 92000। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, सर बैड डेब्ट्स हुए 8000 के, क्या आपकी पॉकेट से कुछ जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? आपने इस नुकसान के लिए पहले क्या बना रखा था, प्रोविजन बना रखा था, कितने का प्रोविजन था 8000। इस 8000 में से इस 8000 को आप भरपाई कर दोगे, कंपनसेट करोगे, यानी आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। तो फाइनली डेटर बचे 92 और प्रोविजन बचा 0, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। आंसर देखते हैं दोस्तों फटाफट, रिवैल्यूएशन बेटा नील है, और आप चेक करो डेटर फाइनली कितने आ गए 92000, बेटे प्रोविजन दिख नहीं रहा क्योंकि प्रोविजन सारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, फिर समझेंगे बात, इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्टेड है।
क्वेश्चन देखो, 1 लाख के डेटर थे, प्रोविजन था 8,000, बट फाइनली बैड डेट्स कितने के हुए हैं? 13,000 के। पहला क्वेश्चन, 1 लाख के डेटर थे, 13,000 के डूब गए, तो सर बचे कितने? 87,000, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, सर हमारी पॉकेट से कितना जाएगा? बेटे 13,000 बैड डेट्स थे, पहले से गुल्लक में कितने पड़े थे? 8,000। सर 8,000 तो इस गुल्लक से निकाल लेंगे, और आपको पता है आपको अपनी पॉकेट से कितने पैसे और देने पड़ेंगे? 5,000 रुपए, क्योंकि नुकसान कितने का हुआ था? 13,000, 8,000 गुल्लक से निकाल लिए, तो बाकी के 5,000 आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। और आपके बेटे पॉकेट का नाम क्या है? आपकी पॉकेट का नाम है रिवैल्यूएशन। आपको नुकसान हो गया कितने का? 5,000 का, तो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? 5,000। आंसर चेक करते हैं जरा बेटे, 5,000 आ गया रिवैल्यूएशन में। बैलेंस शीट पे ध्यान देना, मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या प्रोविजन आएगा? नो सर, प्रोविजन खत्म। डेटर कितने के आएंगे? बाहर कितने के बचे थे? 1 लाख में से 13,000 गए, तो डेटर्स बचे हैं आपके 87,000। ये वाला पॉइंट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट अफेक्ट्स आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अब दोस्तों आसान आसान है, फिर एक और मुश्किल क्वेश्चन ले जाएंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। कह रहे मेक बनाना है प्रोविजन, कितना बनाना है? 15% ऑन डेटर। बेटे 1 लाख के डेटर थे जो बाहर खड़े थे, कह रहे 15% प्रोविजन बनाना है। 1 लाख का 15% होता है 15,000। 15,000 बनाने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन। आप चेक करो क्या पहले कुछ प्रोविजन बना रखे हैं? यस सर, 8,000 तो बना रखा है। अब और कितना बनाना पड़ेगा? 7,000 रुपए का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। बेटा प्रोविजन असेट होती है, लायबिलिटी? सर लायबिलिटी होती है हमारी। 7,000 से लायबिलिटी इंक्रीज करोगे आप, इट मींस रिवैल्यूएशन में किस तरफ आएगा? डेबिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी। ये हमारा आंसर आ गया, प्रोविजन 7,000 से बढ़ा दिया, बैलेंस शीट में चेक करो कितना आ गया? 15,000। नेक्स्ट, बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अब जल्दी जल्दी करेंगे। 5% बनाना है, इट मींस 1 लाख का 5% 5,000 बनाना है। बैलेंस शीट में कितना है? 8,000 है, बनाना सिर्फ 5,000 है और बैलेंस शीट में दे रखा है 8,000, इट मींस 3,000 से प्रोविजन आपको कम करना पड़ेगा। अपने आप 5,000 बन जाएगा। आंसर चेक करते हैं, प्रोविजन को आपने कम कर दिया 3,000 से और फाइनली बैलेंस शीट में आ गया 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स सारे अच्छे हैं। बेटे इसका मतलब है अगर डेटर्स सारे अच्छे हैं तो प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपने प्रोविजन बना रखा था पहले से, कितने का बना रखा था? 8,000 का। बोल रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड, इट देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। बेटा प्रोविजन असेट है, लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है, प्रोविजन 8,000 की है, खत्म करो इसे। अगर लायबिलिटी खत्म होती है तो रिवैल्यूएशन में कहां आता है? क्रेडिट साइड के अंदर। बेटा रिवैल्यूएशन में आ गया क्रेडिट साइड और नेट आंसर आ गया 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा लास्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन की, तो ये भी टॉपिक आपका खत्म हो गया इसके साथ। इस पॉइंट को जरा आराम से समझ लेते हैं सर क्या कहना चाहते हैं। पहले आपसे सिर्फ इतनी बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। 1 लाख के डेटर थे बाहर और मैंने एक प्रोविजन बना रखा था घर के अंदर 8,000 का, फाइनली मेरे बैड डेट्स कितने हो गए? 5,000। अब मैं फिर वही दो बातें आपसे डिस्कस करूंगा। 5,000 के बैड डेट्स हुए, बाहर खड़े थे 1 लाख के डेटर, 5,000 तो डूब ही गए, बचे कितने? 95,000, यानी डेटर्स हैं मेरे 95,000 के। अब मैं अंदर आया, घर पे आया, मैंने ये चेक किया कि सर इसकी वजह से मेरी पॉकेट पे क्या कोई असर पड़ेगा?
5000 के थे, प्रोविजन में कितना था 8000, तो यानी 8000 में से 5000 को मैं ये नुकसान निकाल लूंगा, क्या मेरी पॉकेट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट अभी भी प्रोविजन कितना बचा हुआ है? 3000। याद करो मैंने कहा था प्रोविजन कभी पार्टनर्स में नहीं बढ़ता। इट मींस फाइनल कंक्लूजन, डेटर बचे 95k और प्रोविजन कितना बचा? 3000। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, मैंने लिखा कि सर डेटर्स, फाइनली डेटर्स हमारे बचे हैं 95,000 के और प्रोविजन, प्रोविजन अभी भी हमारे पास है 3000 का। ये हमारी एग्जैक्ट फिगर निकल गया है इस पॉइंट के बाद, बट इसके साथ एक और पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, कहने प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है? 10% ऑन डेटर्स। बेटे मुझे बताओ डेटर मेरे थे कितने के? 95k। कह रहे 95 का 10% बनाना है, यानी 9500 बनाना है। चेक करो पहले से कितना बना हुआ है। सर पहले से 3000 बना हुआ है, पता है आपको कितना और बनाना पड़ेगा? 6500। बेटे प्रोविजन बढ़ाना है 6500 से, इट मींस लायबिलिटी बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन में आएगा 6500। तो ये एक एक्सट्रीम क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन। इसके अलावा बेटे जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो बहुत इजी इजी हैं। असेट बढ़ाओ, लायबिलिटी को कम कर दो, मेन तो यही थी तीन, वर्कमैन कंपनसेशन, IFR और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और लास्ट बची कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस करूं बेटे, उसके साथ पार्टनरशिप का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा आपका। दोस्तों जो 12 दिन में 75 मार्क्स किए थे, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूं, बट आपके एफर्ट्स दोस्तों दिखाई नहीं दे रहे। कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स बस यही पूछते जा रहे हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब डालेंगे। बेटे होमवर्क जो दिया था उसको करो, जितनी बुक की इलस्ट्रेशंस हैं उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, इलस्ट्रेशन में से फटाफट इन टॉपिक्स को कवर करते रहो, इनकम्प्लीट करो। जैसे ही कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म कराऊंगा पेपर के क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। 35 मार्क्स की पार्टनरशिप आनी है, 20 मार्क्स इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ये बार बार रिपीटेटिव होती हैं चीज़ें, कभी डिसोल्यूशन में आएंगी, कभी एडमिशन में आएंगी, कभी रिटायरमेंट में, कभी डेथ के अंदर। तो मेजर टॉपिक्स को मैंने आपको कवर किया है कंसाइज वे में, तो मेहनत करना दोस्तों, स्टार्ट करो। पता चला सारे के सारे वीडियोस बंच बन गए और उस टाइम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा मैं वेट करता हूँ कि आप मुझे नेक्स्ट वीडियोस के लिए खुद भी मुझे भी मोटिवेट करो कि सर ये वाली वीडियो डालें। प्लस अगर आपके कोई डाउट सेशन है तो आप उसके अंदर डाउट्स पूछें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ लाइव आ सकूँ डाउट्स के लिए, तो विद इन 2 or 3 days हम प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक आप सारे डाउट्स इकट्ठे करें और फिर आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। ये तो मैंने थोड़ी सी बातें बता दी, बट जरा यहाँ भी कंप्लीट कर लें। इसके अंदर इसके आंसर पे आ जाते हैं जरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ प्रोविजन आएगा 6500। अब आते हैं जरा बैलेंस शीट पे। बट बैलेंस शीट के अंदर ये आपके आगे 95,000 के डेटर और प्रोविजन कितना आ गया? 9500। तो नेट आंसर आ गया 85,500। दोस्तों प्रोविजन का टॉपिक भी खत्म आपके साथ। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली कैपिटल एडजस्टमेंट्स, या आपने अगर कोई रिक्वेस्ट करी वीडियो तो पहले उसको हम अपलोड कर देंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय दोस्तों।